इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि दो कार है पी और क्यू, स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजिशंस आर रिप्रेजेंटेड बाई एक्स पी एंड एक्स क्यू, एट वॉट टाइम द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। तो कोई दो कार्स है, दोनों एक ही टाइम पे चालू हो रही है, एक ही पॉइंट से है, उनके पोजिशन वैक्टर्स इस तरीके से दे रखे हैं, पोजिशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमें पूछा गया कि किस टाइम पे दोनों की स्पीड सेम होगी। इसके लिए करना क्या है, देखिए, तो यहाँ पे अगर xp की बात करें तो क्या लिखा है, at प्लस bt स्क्वायर, सही है। अगर आप इसकी स्पीड फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा vp इज इक्वल टू dxp डिवाइडेड बाई dt, पोजिशन के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो at का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, a, bt स्क्वायर का क्या आएगा, 2bt बराबर। नेक्स्ट ऐसे ही xq के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या मिलेगा, ft माइनस टी स्क्वायर। तो सेम मैं यहाँ से वेलोसिटी ऑफ क्यू फाइंड कर सकता हूँ, तो वी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, डी एक्स क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ माइनस टू टी बराबर। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि दोनों की वेलोसिटी बराबर कर दो तो क्या टाइम आएगा, बोल के पूछा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि वी पी की वैल्यू किसके बराबर है, वी क्यू के बराबर है। तो चलिए वी पी की वैल्यू क्या है, ए प्लस टू बी टी इक्वल टू वी क्यू कितना है, एफ माइनस टू टी, सही है। एक काम करिए, ये ए वाले को उधर भेज दीजिए और उधर का टी इधर लेके आइए, है ना। तो यहाँ से टू बी टी, ये माइनस टू टी इधर आ गया तो प्लस टू टी इज इक्वल टू एफ, ये वाला प्लस से उधर लेके जाएंगे तो माइनस है बराबर। तो यहाँ से आप टू टी कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा बी प्लस वन, दिस इज इक्वल टू एफ माइनस है, टी को इधर रख लीजिए बाकी सब उधर भेज दीजिए। तो आप कैसे लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू एफ माइनस ए डिवाइडेड बाई टू टाइम्स बी प्लस वन। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, एफ माइनस ए डिवाइडेड बाई टू टाइम्स वन प्लस बी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, है ना। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहता है, तो कोई इस चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, तो उस टाइम पे आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ।